सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, जहां पर झिंक बिजली में सड़क पर गड्ढों और उसमें भरे पानी में ग्रामीणों ने धान रोपकर अपना विरोध दर्ज करवाया। मामला जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के छत्तीसगढ़ सीमा से लगे झिंक बिजली का है, जहां पर जर्जर सड़क की वजह से लोगों को आने जाने में भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। जर्जर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसमें भारी बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये ग्रामीणों का विरोध तो आप ये देखिए, जहां पर शहडोल में सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और ये पूरा मामला शहडोल से सामने आ रहा है। संवाददाता सौरभ जुड़ गए। सौरभ, नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान रोपना शुरू कर दिया है और हम देख पा रहे हैं कि पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। सीमा से लगा झीक बिजली का मामला है, यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। लगभग 400 मीटर की जो सड़क है वो पूरा गड्ढों में तब्दील है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 से 4 फीट पानी यहाँ पे भर जाता है। तत्कालीन भाजपा की विधायक मनीषा सिंह का जब यहाँ पे विकास यात्रा निकल रही थी, तब उस दौरान भी ग्रामीणों ने विकास यात्रा को वापस लौटा दिया था, जमकर विरोध किया था। तब विधायक ने आश्वासन दिया था कि जल्द हम सड़क बनवाएंगे। वर्तमान विधायक पर भी जो ग्रामीण है अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और विधायक दोनों सड़क निर्माण को लेकर रुचि नहीं रख रहे हैं और मुख्य मार्ग जो है बस स्टैंड है झीक बिजली का, वहीं पर ये जो 400 मीटर की सड़क खराब है, जिस कारण से उनका जो रोजमर्रा का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। इन तमाम कारणों को देख ग्रामीणों ने सड़क पर ही उसे खेत बनाकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यकीन मानिए, बदले की ऐसी कहानी अब से पहले आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। एक घर से साइकिल चोरी होती है, उसके बाद यह भी पता चल जाता है कि साइकिल किसने चुराई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देगा। देखिए रिपोर्ट। चोरी और सीनाजोरी की यह तस्वीर आपको भी हैरान कर देगी। बैतूल में एक ही परिवार के 9 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बैतूल के शाहपुर थाना इलाके का ये मामला है। किसी पुरानी रंजिश की कहानी नहीं थी, बल्कि साइकिल चोरी का बदलापुर था। सुनिए हुआ क्या था। आज से 20 दिन पहले मेरे यहाँ से एक साइकिल चोरी गई थी, जिसकी मैंने थाने में कंप्लेंट नहीं लिखाई। वैसे ही अपने ढूंढते रहे इधर उधर कि किसने ले गई होगी, तो मिल जाएगी, कोई रिश्तेदार ने ले गई होगी। तो आज वो साइकिल बसंत के यहाँ मिली, तो मेरी पत्नी उसके यहाँ बोलने के लिए गई कि भाई तेरे तुमने जैसे साइकिल जहाँ से उठा के लाई वहाँ पहुँचा दो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते ना, हमको रिपोर्ट भी नहीं करना। तो वो गाली गलौज करने लगी और रास्ते में साइकिल फेंक दी और इनको किसी भी धमकी देने लगी। दरअसल फरियादी के यहाँ 20 दिन पहले साइकिल चोरी हुई, चोर का पता चल गया। बस आरोपी जो साइकिल चुरा कर ले गया था उसे समझाना इस परिवार के लिए महंगा पड़ गया। मामला थाने पहुंचा, साइकिल तालाब किनारे मिली। तो इन्हें आके मेरे को बताया, मैंने 100 नंबर डायल किया, पुलिस गई, पुलिस ने साइकिल की भी फोटो ली जहाँ साइकिल फेंका था तालाब के पास में, और उनको भी समझा के आ गया, हमको भी समझा के आ गई थी पुलिस। अब इस कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब आरोपी ने फरियादी जितेंद्र को धमकाया कि ये पंगा महंगा पड़ेगा। आरोपी ने फरियादी के घर विस्फोटक फेंक दिया। उसके बाद में इनने साइकिल लेके मेरे घर आए शाम को करीब 7:30-8 बजे, और साइकिल मेरे घर में रखने के बाद बोल तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, 1 घंटे में तुमको सब कुछ बताता हूँ, और इनने मेरे घर में बम फेंक दिया। इसने बसंत कहा कितने गोले फेंके जी? कितने गोले फेंके घर के ऊपर? एक बम फेंका। कितने लोग घायल हुए आप लोग? 5 लोग घायल हुए। ये इंतकाम और वारदात हैरान करने वाली थी। बैतूल में रीशु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।